सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। पर्यावरण विभाग कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष योम, असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी परवेज खान उर्फ पीके ने लॉकडाउन को लेकर विशेष मुलाकात में कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन लगे होने की वजह से यहाँ के जो कारीगर तबके के मजदूर तबके के लोग हैं उनको बहुत सारी समस्या हो रही है। इन समस्याओं को लोग क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों को कि लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन की वजह से ही हम लोग भी कोरोना से जीत सकते हैं। लॉकडाउन जो है बहुत ज़रूरी है और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, बाहर न निकलें। अगर कोई ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को मुताबिक लाकर अपना सामान फिर वापस घर में ही रहें। और लोगों के आसपास पड़ोस के लोगों को भी यही मशवरा दें कि आप लोग भी घर में रहें, क्योंकि ये हम अगर कोशिश करेंगे तो ही कोरोना खत्म होगा। अगर हम उसी भीड़ भाड़ में जाएंगे, लोग भीड़ भाड़ में जाएंगे, तो ये कोरोना का वायरस का खतरा है। इसके लिए हम ही कोशिश करें तो हमको इस चीज़ से निजात मिलेगी, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ़ होगी। आज जो है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मजदूर तबके के लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी मजदूर क्या, हर लोग, जिसका कारोबारी लोग भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। कहीं कहीं लोग ऐसे भी हैं कि मतलब लोग अपनी तरफ से कुछ, कहीं कहीं संस्था ऐसी भी है कि लोग अपनी तरफ से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और यहाँ की जो प्रशासन, जैसे पुलिस है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की मदद कर रही है। यहाँ भिवंडी, खासकर मैं भिवंडी की पुलिस को उनको मुबारकबाद देना चाहूँ, उनको बोलना चाहूँगा कि मुबारकबाद देना चाहूँगी, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन के लिए और सब चीज़ों के लिए। और उसी तरीके से डॉक्टर लोग जो हैं अपनी जान पे खेल कर लोगों का इलाज कर रहे हैं। और साफ सफाई कर्मचारी जो है ये सफाई कर रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले भी लोग, ये लोग भी अपना दौड़ धूप के पूरे शहर के हालात को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये बहुत ऐसी मुश्किल घड़ी है, इसको हम सब अगर मिलकर अगर कोरोना वायरस को नहीं हटाते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको अगर कोरोना वायरस से हटाना है तो हमको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, न कि घर से बाहर निकल के रोड पे कुछ ऐसा खेले कूदे, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं ये बार बार अपील करना चाहूँगा कि घरों में रहें, अगर ज़रूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें। देखा जाए कि मजदूर तबके के जो लोग हैं, जिस तरह कारखाने मालिक हैं, तो वहाँ पे देखा जाए कारखाने मालिक बहुत से लोग हैं जो उनके कारीगरों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कई जगह कि उनको नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे कारीगर के जो सेठ लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं तो उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें सभी अपने मजदूर के लिए कि उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरा करें। और लोग भी, यहाँ की सरकार को भी चाहिए कि जो लोग परेशान हैं उनके लिए ख़ास तौर से हर चीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए, खाने पीने का, रहने का। जो लोग, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनका भी इंतज़ाम करना चाहिए। ये मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो लोगों को कम खाने की तकलीफ है, और मुझको ऐसा मैं सुना भी हूँ कि मतलब ये जो है किचन चालू होने वाला है भिवंडी शहर में, तो ये जो किचन चालू होगा तो लोगों को आसानियाँ होंगी। इस तरीके से शहर में ज़्यादा से ज़्यादा किचन चालू हो जाए ताकि लोगों तक खाना पहुँच सके, भूखे कोई न सो पाए। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से घरों में बैठें तो बच्चों को तालीम दें, अच्छी अच्छी तालीम दें, और बच्चा ताकि वो फ्यूचर उस तालीम के इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। और लोगों से, अल्लाह से दुआ करें कि इस कोरोना से जितनी जल्दी हो सके निजात मिले, तभी हम लोगों को निजात मिलने वाली है, न कि हम बाहर घूमें और फिरें और भीड़ लगाएं, इसमें हमको तकलीफ हो। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए सत्यवार्ता टीवी न्यूज के साथ।